हाँ जी बेटा, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है ना बेटा, मल्टीपल चॉइस का, व्हाट इज रिटन हियर फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हियर इट इज रिटन फ्रॉम एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। और मुझे क्या दिया हुआ है देखिए, ए पार्ट रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय टू, ओके। नेक्स्ट बी पार्ट इमेजिनरी ऑफ जेड दैट इज जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय टू। नाउ द थर्ड इज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट, एंड डी पार्ट मेरे पास हो गए माइनस ऑफ रियल ऑफ जेड मॉडुलस दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू रियल ऑफ जेड। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, बेस्ट ऑप्शन पता क्या होती है, यू टुक एग्जाम्पल, मेरे पास आप कोई भी एग्जाम्पल लेके ट्रू कर लो। अगर आपको याद हो ये तो हमें पता ही है, 100% ऐसा होता है, बट फिर भी हम क्या करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, लेट अस सी। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, तो आपको पता है जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा। तो मैं अगर इनको ऐड करूं, ऐड करूंगी तो ये कट गया, और डिवाइडेड बाय टू करूंगी तो 2 बाय 2 आंसर इज 1। तो ये क्या बन गया, रियल ऑफ जेड, ये बिल्कुल सही है, इमेजिनरी भी बिल्कुल सही होगा। आप माइनस करके देख लो, जब आप माइनस करते हो तो 4 आयोटा बाय 2 कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आयोटा, तो वो इमेजिनरी पार्ट ही मेरे पास हुआ, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ जेड। अब ये फॉर्मूला आपको पता है ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर वो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है। आप निकाल के भी देख सकते हो कैसे, मेरे पास यही एग्जाम्पल लेके मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। और इधर आप करके देख लो, जेड जेड कॉन्जुगेट मेरे पास जो है क्या होता है, अगर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट करें मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 5, यानी ये भी ट्रू है, तो 100% ये ट्रू नहीं होगी मेरे पास, ओके जी, डी पार्ट इज नॉट ट्रू, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम बार बार बच्चों को क्वेश्चन करवाते हैं, वेरी इजी टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन, लेट अस सी मेरे पास जो है ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मेरे पास जो है, क्वेश्चन 2 में अब आप बताना इसका आंसर, 2 अंडर रूट माइनस 9 अंडर रूट माइनस 16 दैट इज इक्वल टू क्या आंसर होगा, ध्रुव सोचो। हाँ जी, अगर हम देखें तो ये 2, दिस इज 3 आयोटा है ना, दिस इज 4 आयोटा, तो 100% जो है -24, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये गलती नहीं करनी, मैक्सिमम बच्चे ऐसे कर लेते हैं बेटा, दिस इज रॉन्ग। अंडर रूट के अंदर तभी दोनों चीजें जाती हैं अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, सिर्फ तभी जाती है, ठीक है बेटा, क्लियर, सबको बात समझ आए। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, हाँ जी मेरे पास जो है, अच्छा पोलर फॉर्म नहीं आती है लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंगली मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना, थीटा कैलकुलेट करना आना चाहिए, डायरेक्टली पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करनी ना आए, बट एम्पलीट्यूड उससे पहले टॉपिक है जो है मैग्नीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड, वो दोनों अलग अलग कैलकुलेट करना जरूर सीखो बेटा,
हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज थर्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो इज, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो इज, ये तो आना चाहिए, आप तो ये चैप्टर का भी जो है आंसर दे चुके, जल्दी बताइए, बता सकते कोई भी बच्चा? अच्छा मेरे पास ऑप्शंस दे देती हूँ, ऑप्शन इज फर्स्ट जीरो, बी मेरे पास हो गए पाई, सी मेरे पास हो गए पाई बाय टू, एंड डी इज नॉट डिफाइंड। कैसे? आपने कहा अब जीरो के नीचे क्या टर्म है हमें नहीं पता, आप थीटा कैलकुलेट कर रहे हो, आप कहते हो कि हम कैसे डिफाइंड कर दे, मेरे पास जो है टैन जो है वो वाई बाय एक्स, ऐसे ही लेते हो ना, तो जब आप वाई बाय एक्स लेते हो तो यहाँ पर वाई है ही नहीं, तो बाय जीरो, तो आप कहते हो नॉट डिफाइंड, आप यही कहते हो ना कि दैट इज नॉट डिफाइंड, और आप कह रहे हो कि थीटा पाई बाय टू। अब जीरो जो है हमें पता ही नहीं बेटा कि जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यू आर नॉट अवेयर ना, वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है वो कैसा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बेटा मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर आंसर जीरो है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एम्पलीट्यूड हमेशा एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफाइंड होता है, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर जेड दैट इज नॉन जीरो। ओके क्लियर बेटा, बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये छोटी छोटी बातें आपको पता है कब मिलती हैं, कैसे पता चलती हैं, डेफिनेशन में जब आप थ्योरी पढ़ते वहां लिखा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जिस बच्चे ने नॉन जीरो वर्ड पे स्ट्रेस नहीं दिया उसको तो पता ही नहीं होगा ये बात। ओके बेटा ठीक है जी, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ मेरे पास, व्हाट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज मेरे पास, इफ x एंड y बोथ बिलोंग्स टू रियल, मेरे पास x y बोथ बिलोंग्स टू रियल, देन x प्लस iota y जो है इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास कब होगा, इफ एक्स इज जीरो, सेकेंड वाई इज जीरो, थर्ड वाई इज नॉट जीरो, डी एक्स इज नॉट जीरो, बताइए। हाँ जी जल्दी सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, मैं अनम्यूट कर रही हूं आप लोगों को, पर देगा एक एक बच्चा ही आंसर। ओके क्लियर, पार्टिसिपेट करोगे तो तभी आपको पता चलेगा। चलो अबे अबे बेटा रोल नंबर वन, जल्दी जल्दी, व्हेन वी कॉल्ड कि दिस इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन, हाँ जी कौन सी? बी ऑप्शन, एक्स अनइक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज रॉन्ग बेटा, क्योंकि अगर x जीरो हो गया मेरे पास, आपने सॉरी ठीक है बेटा, आपने कहा कि x आप कह रहे हो x नॉट इक्वल टू जीरो, गलत हो गया बेटा, सॉरी सी ऑप्शन आएगी, y जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि y जीरो हो गया तो ये तो रियल नंबर बन गया, y is not equal to zero बेटा। रिद्धि बात क्लियर हुई?
ठीक है ना, आपने ट्रिक ठीक लगाया, क्योंकि अगर आप कह रहे हो एक्स नॉन जीरो, इसका मतलब वाई जीरो हो सकता है ना, तो वाई जीरो हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं रहा। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है मेरे पास, कि वो आयोटा की फॉर्म में रहना चाहिए। सबको समझ आ गई? ओके बेटा, चलिए नाउ इसकी सी आंसर है। नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मेरे पास हो गए फिफ्थ क्वेश्चन, लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बेटा व्हाट इज गिवन हियर, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 plus iota इन द आर्जेंट प्लेन। कई लोग इसको आर्जेंट, कोई आर्गेंट, जो मर्जी बोल सकते हो। ओके, आर्जेंट प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, उसको एक पर्टिकुलर नेम भी कहते हैं। अगर मैं कहूं कि व्हाट वी कॉल द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग इन ए आर्जेंट प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, व्हाट वी कॉल्ड इट, एनीबॉडी फ्रॉम यू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम आर्जेंट प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा वाई, बेसिकली ये एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है? अरे मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कहते नहीं है इसको मैग्नीट्यूड, वी कॉल्ड इट मॉडुलस ऑफसेट, कहते हैं ना। तो ये कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कहते हैं ना। मैंने डायरेक्टली वर्ड मैग्नीट्यूड नहीं कहा, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करने को कहा। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा फिर मैग्नीट्यूड, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट टू। ओके जी, क्लियर बेटा? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, वेरी इजी, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, सेवेंथ क्वेश्चन, चलिए फटाफट आंखें बंद करके मैं आंसर दे सकती हूँ बेटा इसका, इतना टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए। अर्श जीरो, जीरो, यस यस, जीरो, वेरी गुड बेटा, जीरो, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकती, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, कैंसल कैंसल, आंसर इज जीरो। ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर एट। अब देखिए क्या कहा हुआ है उसने, व्हाट इज रिटन हियर इन द क्वेश्चन नंबर एट, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, सो दैट इट विल बी इक्वल। कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके कारण ये इक्वल हो जाए? हाँ जी, जल्दी बेटा, अब ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू सो दैट दीज आर इक्वल, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ये बन गया एनसीईआरटी का मल्टीपल ऑफ फोर। आपने क्या कहा, मल्टीपल ऑफ फोर? नहीं बेटा, वहां पर फोर था, यहाँ पर टू है, डिफरेंस है, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी हमें, तो लेट अस डू द कैलकुलेशंस फर्स्टली, फिर देखते हैं ना, रैशनलाइज कीजिए। टाइप वही है, हम वहां पर भी जो गए रैशनलाइज करके करते थे, यहाँ पर भी रैशनलाइज करके चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस वन, हाँ जी, टू एन वन, वन और वन कैंसल,
टू से टू कैंसिल, माइनस आयोटा की पावर टू एन। अब देखो आप वन पुट करते हो तो इधर माइनस वन आता है, लेकिन एन की वैल्यू टू पुट करते हो, एन की वैल्यू टू पुट करते हो, ये कितना बन जाता है फोर। आपने मल्टीपल ऑफ फोर बुक के आंसर के अकॉर्डिंगली बोला मुझे, मेरा तो टू क्योंकि वहां टू नहीं था ऑलरेडी, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो एन टू पुट करने पे ये पावर फोर बन रही है, तो वन इज इक्वल टू वन दैट इज टू। और उसने लीस्ट वैल्यू पूछा बेटा, लीस्ट मतलब कम से कम बतानी है हमने, सारी तो बतानी है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी जैसा ही है ना। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन मैम? हाँ जी, यस समृद्धि मैम, वहां जब हमने स्क्वायर किया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, मैम इधर आपने माइनस डालना है 2 आयोटा के साथ। हाँ जी बिल्कुल जी, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। मैम पर हमने तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किया ना, तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस यस यस, कोई बात नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है समृद्धि, ओके बेटा, मैंने नीचे वाली टर्म को देख के फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, कैलकुलेशंस देख लिया करो। चलो नाउ बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन, अगर मैं देखूं तो मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। वन आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 6, सो ऑन, आयोटा पावर 2n। हाँ जी, इसके आंसर्स कैसे आएंगे? उसने कहा पॉजिटिव, फिर उसने कहा नेगेटिव, फिर उसने कहा जीरो, एंड डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। एन पे कोई जो गए वो डिपेंडेंट नहीं होगा, आंसर उसने कहा। अब इसको बता, बेसिकली इसको निकालने का तरीका पता क्या है? ये ना एक तरह की जीपी बन जाती है। मैं आपको बताने लगी हूं कि एपी आपने टेंथ में की हुई है ना, जीपी क्या होती है? ऐसी टर्म्स जिनकी कॉमन रेशियो सेम हो जाए, ठीक है जी। जैसे मेरे पास हो गए, अगर मैं देखूं ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन, मेरे पास लास्ट है ए आर एन माइनस वन, मतलब एन टर्म्स आर देयर। अगर आप देखो हर टर्म को इससे डिवाइड करो, कॉमन रेशियो आर है ना, तो फर्स्ट टर्म इसकी ए है। आप एपी में कैसे लिखते थे? ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे लिखते थे ना, जीपी में ऐसे लिखते, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा सिलेबस का पार्ट ही है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ऐसे केस में इसके सम का मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है ए आर पावर एन माइनस वन over r minus 1, sum of n terms of gp, sum of n terms of ngp। yes Divyanshi? 0 mam, iska answer d option hai beta। ha ji d option hai, bilkul independent of n, kyunki main aapko calculate karke batane lagi hu। mam dependent hoga ya independent, wahan pe apne dependent hai। ha ji japan kya keh rahe ho? वर्ड जो है बुक में भी, एक सेकेंड लेट मी चेक द स्टेटमेंट बेटा। हाँ जी डिपेंडेंट ऑन एन ही है, इंडिपेंडेंट ऑन एन नहीं है, डिपेंडेंट ऑन एन ही है। लेट मी फाइंड आउट है ना आंसर कैसा आता है, कौन सी ऑप्शंस है मेरे पास, लेट अस सी। अब देखिए फर्स्ट टर्म ए इज वन, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, टी टू डिवाइडेड बाई टी वन, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन टी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। अब मेरे पास हो गए
एस एन का फॉर्मूला लगा रही हूँ। अच्छा मैंने एस एन का क्यों लगाया, अगर ये मेरे पास हमेशा टू का मल्टीपल है कि नहीं, अगर ये टू का मल्टीपल है, ये यहाँ वन होगा, यहाँ टू होगा, यहाँ थ्री होगा, सो ऑन अप टू यहाँ पर एन होगा। लेकिन एक टर्म ये भी है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास हो गए यहाँ पर बेटा कितनी हो गई, अगर मैं देखूं मेरे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बता सकते हो? अगर जीपी का फॉर्मूला लगाना है एन प्लस वन कितनी हो गई, एन प्लस वन, तो मैं फॉर्मूला तो मतलब जनरल सम का ही लगा रही हूँ ना, अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो आप एन प्लस वन। ओके बेटा क्लियर। तो अब मेरे पास हो गए आर दैट इज आयोटा स्क्वायर पावर एन माइनस वन पावर, मेरे पास हो गए दैट इज आर माइनस वन, आर कितना मेरे पास दैट इज आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, आप सीधा लिख सकते हो ऐसे। तो मेरे पास यहाँ पर भी माइनस वन की पावर एन माइनस वन ओवर माइनस टू, यानी सम किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। अगर एन इवन है आंसर और आएगा, एन ऑड है आंसर और आएगा। एक मेथड तो ये है जो मैंने जीपी की हेल्प से करवाया, एक मेथड और है, अगर बेटा है हर बार स्क्वायर पावर टू है ना, पर है तो ये अगर मैं देखूं आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, आयोटा फोर की वन, आयोटा क्यू सिक्स की अगेन ना माइनस वन होगी ना माइनस, है ना। मेरे पास आयोटा क्यूब मैं अगर देखूं आयो, लेट मी चेक, ये देखें इसको आयोटा फोर और आयोटा स्क्वायर लिख सकते है ना, आयोटा पावर फोर वन होती है आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन ही आएगी, हाँ अंडर रूट। अच्छा ओके ओके माइनस वन ठीक है बेटा। ऐसी ऑल्टरनेटिव आएगी, अब पहला ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, अगला कटता जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, एन पे। अगर एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है ना, तो 100% वो मेरे पास आंसर जो गए एक में इवन में जो गए सब दो 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 कट जाएंगे, क्योंकि अगर इवन है आप खुद सोचो मतलब यहां तक हुआ तो ये दो 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 पेयर कट गया है ना, अगर ऑड टर्म्स होंगी तो वन बचेगा एक, तो दैट मींस किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। चाहे आप जीपी की हेल्प से कर लो या डायरेक्टली कर लो तब भी टोटली डिपेंडेंट ऑन एन ही। ओके बेटा क्लियर। ओके जी चलो कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास तो है क्वेश्चंस, देखिए कॉन्सेप्ट सारा वही है, आगे हम ये क्वेश्चन बच्चों को वन नंबर में सीधा डाल देते, फाइंड दिस, तो बच्चे लिखते थे आंसर मे बी जीरो और वन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, कि वो इवन है कि ऑड है, कितना लिखते थे। अब आपने कुछ लिखना नहीं, जस्ट एमसीक्यू को टिक कर, ठीक है। चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए नेक्स्ट, मेरे पास क्वेश्चन है, जस्ट सी दिस क्वेश्चन, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड x plus iota y satisfy the condition, इस condition को set कर रहे हैं कि modulus of z plus 1 जो है that is equals to 1, then z lies on, तब z जो है कहां पर lie कर रहा है, first x axis पे, b circle with center 1 0 and radius
वन सी मेरे पास हो गए सर्कल विथ सेंटर माइनस वन जीरो एंड रेडियस वन और डी है वाई एक्सिस मेरे पास। अब बेटा क्लियर कट है, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास हो गए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें मॉड कुछ दिया हुआ, दे ऑलवेज गिव मॉड, तो बेटा उसके लिए पता क्या होता है, इस टर्म को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ। कैसे? जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जो साथ में भी सेंटर होता है ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह एक्ट करता है, वो बेसिकली यहाँ आर को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस सेंटर को सॉरी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ध्यान से देखना, कैन आई राइट इट एज वन प्लस जीरो आयोटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब बेटा मेरे पास जो फॉर्म होती है ना वो पता कैसी होती है, z माइनस a प्लस आयोटा v इज इक्वल टू r, ऐसी फॉर्म हो तो सेंटर मेरा होता है ए बी, रेडियस इधर होता है, ओके? तो अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ये जो गिवन फॉर्म है इसको कन्वर्ट किया मैंने यहां तक, मुझे बीच में क्या चाहिए, माइनस, तो मैं क्या करूं, जेड माइनस माइनस वन कर दो, जीरो के साथ तो कोई टेंशन नहीं ना, प्लस जीरो आयोटा इक्वल टू वन, तो अब मेरे पास सेंटर क्या बन गया, माइनस वन जीरो और रेडियस का बन गया वन, यही मैंने प्रूव करना। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, ये आपको चीज याद रखनी, इस पे आगे भी आपको कॉनिक्स चैप्टर करेंगे तो वहां पर भी हेल्प करेगी। ठीक है बेटा, क्लियर, सबको बात समझ आ गई? तो ऑप्शन कौन सी आएगी फिर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे पास है, वेरी इजी, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। व्हाट इज गिवन हियर, इफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो के इक्वल, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जीरो के इक्वल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो के इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल, बिल्कुल जी डी ऑप्शन। ये तो कितनी बार कर चुके हैं ना, रियल, यस काव्या, यस काव्या बेटा बात क्लियर होगी बेटा, ये तो नॉर्मल आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड किए हैं, अब कल और कंटिन्यू करेंगे, इसमें दो टाइप्स हमने नहीं की, एक मॉडुलस जेड वाला जिसमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट किया, ठीक है, और ऐसे ही हमने पावर एन वाला किया, और कल करेंगे ताकि आप लोग इसको कवर कर सको। ठीक है बेटा, आज सेंड कर दूंगी पीडीएफ, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।